हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? शुरू करते हैं आज अगला टॉपिक। नाइन्थ में हमारा जो वीडियो नंबर है एल, चैप्टर नंबर 7 का एल वीडियो, आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन। हमारा एनिमल का सारा हो गया। एनिमल के क्लासिफिकेशन के बाद आज हम पढ़ेंगे बायोनोमियल मेथड, द्विनाम पत्ति। इससे पहले आपने 8th क्लास में 7th क्लास में नहीं पढ़ी, बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बायोनोमियल मेथड, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पत्ति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस, एक महान वैज्ञानिक। कैरोलस लिनियस एक महान वैज्ञानिक थे। देखो, साइंस की बात करें तो साइंस में साइंटिस्ट का होना बहुत ज़रूरी नहीं है, इसमें दार्शनिक भी होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दार्शनिक और साइंस में, वैज्ञानिक में क्या अंतर है। दार्शनिक तो कोई भी हो सकता है, जैसे कोई भी यदि आदमी विचार करता है, विचारों से कोई नई चीज़ लेकर आता है, उसे दार्शनिक कह सकते हैं। जैसे कि अरस्तु बहुत बड़ा दार्शनिक था, इसलिए अरस्तु को हम क्या मानते हैं? जीव विज्ञान का पिता। याद रखना, अरस्तु क्या है, किसे मानते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को हम जीव विज्ञान का पिता मानते हैं, क्योंकि अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिसने हमें प्रारंभिक जानकारी दी थी जीव विज्ञान के बारे में, कि सजीव है वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, कैसे आप कह पाएंगे कि वो सजीव है और निर्जीव है। तो आज हम पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति नामकरण की सर्वमान्य पद्धति है, जो लगभग 18वीं शताब्दी के अंदर कैरोलस लिनियस ने दी थी। कैरोलस लिनियस कहते हैं कि प्रत्येक दुनिया के अंदर जितने प्रकार के जीव हैं, एनिमल हैं, उनका एक निश्चित नाम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हो। किसी बच्चे को आप गर्मी से चिंटू मिंटू कुछ भी कहते हो, बाहर कुछ भी नाम से पुकारा जा रहा हो, लेकिन उसका एक ऐसा नाम होना चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित हो। उसके लिए एक पद्धति बनाई थी इन्होंने। जैसे कि इस पद्धति के कुछ रूल्स हैं, जैसे आप किसी एक एनिमल का नाम लिखना चाहें, जैसे आम, ये कलर विजिबल नहीं होगा, जैसे आम मैंगो, इसका बोटनिकल नाम है मेंजीफेरा। इंडिका, आम का बोटनिकल नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। तो किसी भी जंतु का जो एक नाम होता है, वानस्पतिक नाम, उसमें दो टर्म होते हैं। पहला जो शब्द है वो इंडिकेट करता है उसके वंश को, और दूसरा करता है उसकी स्पीसीज यानी जाति को, एक जीनस को और दूसरा उसकी जाति को, स्पीसीज। जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं ना, राकेश प्रजापत, तो राकेश उसका वंश है या उसका नाम है, और प्रजापत उसकी जाति है। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, वंश और जाति अलग अलग चीज़ें होती हैं। जाति का समूह वंश कहलाता है, वो नाम तो पुकारने के लिए है। तो ये यूनिवर्सल नाम है चलने वाले, जैसे कि आँख, लोकल लैंग्वेज में इसे आंकड़ा भी कहते हैं आप, लेकिन इसका बोटनिकल नाम है केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस प्रोसेरा, ये आंकड़ा है। खीपड़ा देखा है आपने, आप खीपी नहीं कहते, खीपड़ा ही कहते हैं उसे, इसका बोटनिकल नाम है लेप्टेडिनिया। लेप्टाडिनिया। तो हर एक प्लांट के, हर एक एनिमल के कुछ ऐसे नाम होते हैं जो पूरे विश्व में चलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस पद्धति को हम द्विनाम पत्ति कहते हैं। और ये द्विनाम पत्ति देने वाले महान वैज्ञानिक कौन थे? कैरोलस लिनियस। इसलिए उसे द्विनाम पत्ति का जनक माना जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का भी पिता माना जाता है, क्योंकि वर्गीकरण के आधार पर ही तो नाम दिए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसके हम नियम भी पढ़ेंगे। एक सार्वजनिक पद्धति है नामकरण की, जिसके दो भाग हैं। नंबर 1 ICZN और दूसरा है ICBN।
ये विश्व स्तर पर चलने वाली दो ऐसे नामकरण की पद्धतियां और संस्थाएं हैं जो जंतुओं का नामकरण करती हैं। ICZN जो संस्था है वो जंतुओं का नामकरण करती है और ICBN है ये पादपों का नामकरण करती है। फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम। ICZN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम। यदि यही हम ICBN की फुल फॉर्म देखें तो इसको रिप्रेजेंट करना है, जेड को बी से कर देंगे तो बी फॉर बोटनिकल। ठीक है, तो जंतुओं के नामकरण की ICZN, पादपों के नामकरण की ICBN, ये दोनों ही कैरोलस लीनियस से प्रभावित होकर ये पद्धतियां बनाई गई हैं। ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो दुनिया में सभी प्रकार के पादपों का नामकरण करती है। तो ये दो टर्म आपको याद रखने, ICZN और ICBN। अब हम कुछ रूल्स की बात करेंगे, कुछ नियमों की बात करेंगे जो आपको ये बताता है कि द्विनाम पद्धति में नाम लिखते कैसे हैं। नामकरण के नियम, नामकरण के नियम कौन कौन से नियम होने चाहिए जब हम जंतुओं का और पादपों का नामकरण करते हैं, तो उनके कौन कौन से नियम होने चाहिए। तो नामकरण के हम नियमों की बात करेंगे। पहला नियम, किसी भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ का आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसके नियम तो होते हैं, तो नामकरण के हम नियम पढ़ें। तो नामकरण का पहला अक्षर हमेशा वंश का प्रथम अक्षर या प्रथम शब्द कह सकते हैं, और वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल में। और दूसरा अक्षर जो है वो किसका होना चाहिए? जाति का, ये स्मॉल लेटर में। ये बात आपको याद रखना है, वंश का पहला नाम कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल लेटर। दूसरा है वो जाति को रिप्रेजेंट करेगा, वो स्मॉल लेटर में। तीसरा जो रूल है, यदि हाथ से लिखते हैं तो अक्सर तिरछे लिखे जाते हैं, जैसे कि लेटिन भाषा में, लेटिन भाषा के अक्षर क्या होते हैं? थोड़े से तिरछे होते हैं, लेटिन भाषा में लिखे जाएंगे। यदि आप बाई हैंड लिखते हैं तो नीचे अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित किया जाएगा, रेखांकित किया जाना चाहिए। ये चार रूल हैं, थंब रूल हैं, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भी कुछ नियम, अच्छा कुछ चीज़ें आपको नोट करनी होती है तो मोबाइल को बीच में पॉज करके और कुछ चीज़ें नोट कर लिया करो, वापस प्ले कर दिया करो, वीडियो को वहीं रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर, बहुत सारे मेथड हैं यदि आप अच्छे से नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ या किसी एक एनिमल का नाम या प्लांट का नाम लिख के आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आम की बात कर लें, आम, मैंगो, बट इसका बोटनिकल नाम क्या है? मेंजीफेरा। इंडिका ऐसे लिखा जाएगा। यदि आपने इसी नाम को, बोटनिकल नाम की यदि हम बात करें, यदि किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया तो ये टोटली रॉन्ग है, ये बात आप याद रखना। अब आप कहेंगे सर ये जो दोनों मैंने नाम लिखे हैं इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? स्पेलिंग का, टर्म का, डिजिट का, कोई अक्षर है में कोई तालमेल है, लेकिन कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में से नीचे वाला रॉन्ग है, ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि लेटिन जो अक्षर होते हैं, बोटनिकल नाम और जूलॉजिकल नाम, उसमें कोई भी अक्षर एक दूसरे की टच नहीं करता। कहने का मतलब कृषि राइटिंग में नहीं लिखा जाता, जो कृषि राइटिंग होती है ना इस प्रकार से आप लिखते हैं,
ऐसी राइटिंग में नहीं लिखा जाता और दो डिजिट आपस में टच भी नहीं होने चाहिए। ये बड़ा थंब रूल है, आपको याद रखना है। तो जैसे कि हमारे वो हाथ को एक आदत सी रहती है, हैबिट, तो हम कृषि राइटिंग में लिख देते हैं, वो गलत होता है। तो पहला ही पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, बाकी सारे के सारे अक्षर स्मॉल लेटर में, एक चीज़ तो ये है। और दूसरी बात, सारे अक्षर ना तो बहुत दूर होने चाहिए और ना ही एक दूसरे के टच होने चाहिए। टच होते ही तो कृषि राइटिंग बन जाएगी। तो याद रखोगे, ये टर्म है, ये इसके थंब रूल है, आपको हमेशा याद रखना है। तो ज़िंदगी में आगे की जो क्लासें होंगी आपकी, उसमें कभी ये गलती मत करना कि किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का जब आप बोटनिकल नाम या जूलॉजिकल नाम लिखो, तो टर्मिनोलॉजी का हमेशा याद रखोगे आपकी क्या यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक नाम आप स्वयं लिखो, जैसे कि मानव यानी मनुष्य, उसका जूलॉजिकल नाम है होमो सेपियंस, यानी हमारा नाम। और आज तक हम अपने आप को क्या समझते रहे, सूर्य प्रकाश, ओम प्रकाश, राम प्रसाद, ये है नहीं, हम तो होमो सेपियंस हैं, ठीक है। इसको लिखिए आप इंग्लिश में, गलती होनी नहीं चाहिए। तो एज आना, जिन बच्चों ने यहाँ से शुरू कर दिया, ये उनकी पहली गलती है, सुधार लीजिए। एज हमेशा कैपिटल में। फिर इस प्रकार से कृषि में लिख दिया तो गलत, ऐसे, यानी दो टर्म ए बी सी डी है वो आपस में टच भी नहीं होने चाहिए और दूरी और गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखो, यदि आप कंप्यूटर से काम कर रहे हो तब तो अक्षरों के नीचे वो लेटिन भाषा में उसमें कोड्स आते हैं, लेटिन की भाषा अलग होती है, और यदि आप हाथ से लिखते हैं तो अक्षरों के नीचे अंडरलाइन करनी होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी, नोट करो इसको। तो ये हो गया आपकी द्विनामपत्ति, यहाँ आपका चैप्टर लगभग खत्म होता है। एक अपन स्केलेटन बनाते हैं सारे के सारे एनिमल्स का, जितने प्रकार के सजीव हैं उनका एक स्केलेटन बनाएंगे, साथ साथ में आप भी बनाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से जितना अच्छा स्केलेटन बना पाएंगे, दुनिया में जितने प्रकार के जीव हैं उन सब के क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि दुनिया के सारे जीव जंतुओं को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। दुनिया में कितने जगत बनाए थे विटेकर ने, 5। हम पूरे जगतों की बात करेंगे, पहला मोनेरा, दैट सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, और फोर्थ हो गया प्लांटी, और फिफ्थ हो गया एनिमिलिया। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, दुनिया में 5 ही प्रकार के जगत हैं, किसने बनाए थे, विटेकर ने हमें ऐसी चीज समझाई थी, हम उसी को फॉलो करेंगे। जो मेन चीज जहां पर है, जैसे कि प्लांटी, प्लांटी को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, इसके 5-6 भाग हैं, कौन कौन से, सेवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, सबके क्लास हैं। एंजियोस्पर्म के 2 बड़े और वर्ग भी थे, आपको याद है। तो एक बीजपत्री, और द्विबीजपत्री, ये इनका डिस्क्रिप्शन। अब जो एनिमिलिया है उसको यहां ला रहे हैं। एनिमिलिया के कितने भाग, 2। पहला नॉन कोर डेटा, दूसरा कोर डेटा। नॉन कोर डेटा के सारे लिखेंगे, कौन सा शुरू कहां से करेंगे, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा,
प्लेटी हेलमिंथीज, एस के हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, एस के हेलमिंथीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एक इसके अंदर बताया था मैंने टीनोफोरा, सारे के सारे एनिमल विलुप्त। तो ये आप नोट करेंगे नॉन कोऑर्डिनेट्स में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। पहले है इसके अंदर प्रोटोजोआ को भी पढ़ा जाता था, अब वो प्रोटोजोआ कहाँ है? प्रोटिस्टा में है। कोऑर्डिनेट्स की बात करो, एक तो आएगा साइक्लोस्टोमेटा, लेकिन जो इसके मैन है उसमें पहला कौन सा है? एवीज, पीसीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और सबसे इम्पोर्टेंट मेमेलिया, जिसमें मनुष्य आता है। ठीक है ना? ये आपको एक स्केलेटन बनाना है, एक कंकाल बनाना है, एक ऐसी टेबल सारणी बनानी है जिसमें आप सारे एनिमल्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। दुनिया में जितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो किस में हैं? मोनेरा में। याद रखना, जीवाणु सारे के सारे बैक्टीरिया में, जितने कवक हैं वो किस में हैं? वो फंजाई में हैं। और अमीबा, एक कोशी के जीव सारे इसमें, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। शुरुआत में एक एक को विस्तार से पढ़ा था, जहाँ हमने इसका एक स्केलेटन बनाया है, एक जाल सा बनाया है जिसके आधार पर किसी भी चीज़ को समझने में शायद कोई दिक्कत ना हो। तो ये स्केलेटन, ये जो जाल है, ये जो सारणी है, ये सबको याद होनी चाहिए। ये यदि अच्छे से याद है तो आगे की क्लासों में आपकी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसको। तो एज ए होमवर्क आपका ये चैप्टर है, जो सेवन्थ नंबर चैप्टर है, वैसे बायो का तीसरा चैप्टर, पूरी किताब का सातवां चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 7 ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट। आपको सारे के सारे वीडियो दोबारा देखने हैं, रिवीजन करना है, जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो बनाने हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अच्छे ढंग से आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे ढंग से स्टडी करनी है, और वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए, बने रहिए पढ़ाई के साथ साथ। बेस्ट ऑफ लक।